सारा देश गम में डूब गया। जब कोई शहीद सीमा के ऊपर शहादत अपनी शहादत दे देता है, शहीद कहलाता है, तो हर इंसान को शहीद का दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन उस परिवार से ज्यादा बेटर उस दर्द को कोई नहीं समझ सकता जिस घर का कोई इकलौता बेटा हो और वो भी सीमा पर शहीद हो जाए। पुलवामा आतंकी हमले में एक किसान का अकेला बेटा, क्या संदेश आया उस घर से, क्या लिखा एक माँ ने, सुनिए जरा गौर देना। अपनी बहू की हालत को देखा तो उसका एक पैगाम आया घर से, उसमें लिखा हुआ था कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की तो लंगोटियां चली गई, अरे भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, कि ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, अरे सारे ही जिस्म की जब बोटियां चली गई, और कि आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की सारी रोटियां चली गई, मेरे घर की सब रोटियां चली गई। बड़ा रोना आता है ऐसे दुख दर्दों को देख के प्रेमी सज्जनों, कि आप ही बताओ एक बात। अच्छा, बहुत लोगों ने ये इस हमले के ऊपर गाने बना के भी गाए हैं। किसी ने ये कहा है मोदी जी को कि मोदी जी 44 के बदले 400 मार दो जब तसल्ली आएगी। किसी ने गाया है कि 44 के बदले 4000 मारो जब तसल्ली आएगी। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि 44 के बदले में 400 मारने से या 4000 मारने से या 40000 मारने से क्या आतंक खत्म हो सकता है? एक बार हाथ उठा के बताओ, नहीं हो सकता ना। तो क्या कैसे होगा ये आतंक खत्म? हमारे बड़े भाई नरदीप बेनीवाल जी, 14 फरवरी को ये आतंकी हमला हुआ था, जैसे ही रात को न्यूज देखी सब लोग हम साथ थे, तो बाकी नहीं रहा, ये खबर देख के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। रात में ही फोन किया कि गुरुजी एक गाना गाना है मुझे, प्रेमी सज्जनों, क्योंकि हम तो देहात में पले बड़े हैं, देहाती शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। हमने मोदी जी को ये कहा कि मोदी जी 40 या 4000 मारने की हम नहीं कहते, लेकिन हम तो एक अलग ही बात कहना चाहते हैं। और जब घर में कोई भी बात हो जाए, कोई बच्चा कोई शरारत करके आ जाए, तो घर का उलहना उसके मुखिया पे आता है कि नहीं, कि भाई दादा तेरे पोते ने फलानी बात कर दी, ढिमकी बात कर दी। तो इस वक्त देश की गद्दी कौन संभाल रहा है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो अगर हम कोई उलहना देंगे तो वो नरेंद्र मोदी जी को ही देंगे कि नहीं देंगे? अगर आप भी देना चाहते हो तो भाई एक बात हम भी कहना चाहते हैं। इस रागनी को मैं उस आतंकी हमले के लिए गा रही हूं जो 14 फरवरी को हुआ था, और इसके बाद जो रागनी दूसरी बनाई थी जब हमारी वायुसेना ने बदला लिया था, वहां की भी एक रागनी है, कहोगे तो सुनाएंगे जरूर। तो इस रागनी को जरा सुनिएगा किस प्रकार से। आओ। एक साथियों ने रागनी शुरू होने से पहले ही 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। फरमाइश है उनकी, शहीद आजम वीर भगत सिंह की रागनी का, कि भगत सिंह कदा जी घबराजा बंद मकान में, अगर मौका मिला तो जरूर गाएंगे। सुनिएगा इस रागनी को क्या लिखा है। अरे पुलवामा की शहादत का नहीं तेरे सीने में, और अगली लाइन अगर अच्छी लगे तो कवि के लिए ताली जरूर बजाना, क्योंकि सोचो जब ये लाइन मैं बोलूंगी कितना गुस्से में होगा वो कवि। हाँ, कितने गुस्से में लिखी होगी लाइन कि पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में,
जी अब आग लगा दो इस पाकिस्तान कमीने मोदी जी अब आग लगा दो इस पाकिस्तान कमीने में। अरे पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में, मोदी जी अब आग लगा दो इस पाकिस्तान कमीने में, मोदी जी अब आग लगा दो पाकिस्तान कमीने में। समंदर हारे होंगे कि जब मेहंदी वाली हाथों ने मंगल सूत्र उतारे होंगे। प्रेमी सजनों, कश्मीर कश्मीर जब ये हमला हुआ उससे पहले भी इस देश के अंदर दिन प्रतिदिन हर रोज कोई ना कोई शहीद होता ही रहता है। प्रेमी सजनों, कि कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है, कि वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं। हाँ। वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं, सेना पर पत्थर फेंके और खूनी भाग मनाते हैं। हाँ। कि हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं और वो भारत मुर्दाबाद बोलकर फिर भी जिंदा रह जाते हैं। कि मोदी जी सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। और पहली कली के अंदर क्या लिखा है सुनिए, अरे कश्मीर का आज तलक भी मिटा नहीं अर्ज मेरा, एक के बदले सौ सिर लाऊं कहां गया वादा तेरा, 44 जवानों के घर हो गया घोर अंधेरा, बहनों के मेरी बहनों के सिंदूर मिटे क्यों ना खून खोलेरा तेरा, बहनों के सिंदूर मिटे क्यों ना खून खोलेरा तेरा। अरे दुनिया में सम्मान बढ़ेगा, दुनिया में सम्मान बढ़ेगा स्वाभिमान के जीने में, अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। नहीं, अगर कोई भूल हो जाए, अगर गलती एक बार होती है तो माफ की जा सकती है, दो बार करते हैं भूल तो भी भूल कही जा सकती है, लेकिन जब बार बार कोई ऐब दिखाए ना फिर उसे भूल को भूल नहीं कहा जा सकता। कि अगर कोई भूल हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है, लेकिन जब कुत्ता पागल हो जाए ना तो सीधी गोली मारी जाती है। मोदी जी ऐसा ही करके दिखा दो। दूसरी कली के अंदर क्या लिखा है सुनिए, अरे मोदी जी से कहना है ये हर एक हिंदुस्तानी का, पाकिस्तान आतंकवादी
सबक सिखा शैतानी का। 56 इंची सीने में क्या जोश नहीं मर्दानी का। बच्चा मांग रहा है बदला इस कुर्बानी का। बच्चा मांग रहा है बदला इस कुर्बानी का। जख्म बड़ा है मरहम लगा दे, जख्म बड़ा है मरहम लगा दे। लोगों के खून पसीने में ओ दीदी अब आग लगा दे। पाकिस्तान कमीने में ओ दीदी अब आग लगा दे। पाकिस्तान कमीने लोगों ने हमारा इस रागनी पर मान सम्मान किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के इस प्रोग्राम की जो मेला कमेटी है गुगड़िया से, वो इस रागनी पर खुश होकर 500 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय संदीप त्यागी जी जो मुजफ्फरनगर से चल के हमारे बीच में आए हैं, वो भी 500 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, एक लाइन आई थी कि जख्म बड़ा है मरहम लगा, जब कोई छोटी सी फुंसी अगर उस फुंसी की कदर ना करो, उसका तुरंत इलाज ना करो, तो वो बढ़ के फुंसी फोड़ा बन जाती है कि नहीं। और सच भी है कि बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, तो दादाजी उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। और एक रागनी बनाई भी है कि फिल्म नहीं ये तो टेलर था हिंदुस्तान का। अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का। तोड़ा है कि नहीं? वायुसेना के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और तीसरी कली के अंदर क्या लिखा सुनिए। और आदरणीय अजीत जी डेरी वाले गुगड़िया से, वो भी 500 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गर नहीं बदला लिया हौसला, गीदड़ का बढ़ जागा। कायर कुत्ता शेर बबर के सीने पे चढ़ जागा। और क्या होना चाहिए? फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो गर तू जिद पे अड़ जागा। और साहब अगर ऐसा कर दिया ना तो सुन लीजिए, आतंकी नहीं साराई पाक तेरे चरणों में पड़ जागा। आतंकी नहीं साराई पाक तेरे चरणों में पड़ जागा। अरे कोई फायदा नहीं दिख रहा घुट सबर की पीने में। ओ मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। सजनों कि ये बात जो गलती तूने की है ना, उस गलती पर हमने कब्र तुम्हारी खोदी है। हाँ। अरे दिल्ली
की गद्दी पर बैठा वो बाप तुम्हारा मोदी है कि ए बाप तेरा ख्वाब तो नजारा ही रहेगा। अरे तू किस्मत का मारा था और मारा ही रहेगा, तेरे तो हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। और कश्मीर तो हमारा है और हमारा ही रहेगा। प्रेमी सजनों, आदरणीय संजय सिंह जी उप सरपंच जी, वो भी इस रागनी पर खुश होकर 100 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत कहा कहते थे पहले हिंदुस्तान के अंदर कि अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, हाँ। और अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये भाषा अब छोड़ दो, अब इस भाषा का समय नहीं है। ये कह दो कि अब ना तो दूध देंगे और ना खीर देंगे, और अगर बात की कश्मीर की तो लाहौर भी छीन लेंगे, लाहौर भी छीन लेंगे। लास्ट कली के अंदर किस तरीके से लिखा है सुनिए क्या होता है। हाँ। अरे कांप उठा होगा अंबर, कांप उठा होगा अंबर, जब इतनी चिता जली होगी, बेटों का बलिदान देख भारत माँ मेरी हिली होगी, कह नर देव राम कृष्ण की रात में कलम चली होगी। और बदला तुरंत, बदला तुरंत ले ओ मोदी जी, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बदला तुरंत ले ओ मोदी जी, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अरे कश्मीर भारत का अंग, अरे कश्मीर भारत का अंग, जैसे गुठी बीच नदी में हाथी जी अबे आग लगा दे, पाकिस्तान कमीने में मोदी जी अबे आग लगा दे, पाकिस्तान कमीने में। अरे पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में, हाथी जी अबे आग लगा दे, पाकिस्तान कमीने में मोदी जी अबे आग लगा दे, इस पाकिस्तान कमीने में। बोलिए भारत माता की।